सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन योर यूट्यूब चैनल द ब्लॉगर कंप्यूटर स्किल्स। तो हमारी वेब डेवलपमेंट की ट्यूटोरियल चल रही है, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट को। हमने इवेंट वगैरह पढ़े हैं पिछली वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले एक मिनी प्रोजेक्ट है, जिसमें हम CSS, HTML और जावास्क्रिप्ट तीनों का यूज़ करके बनाने वाले हैं एक लॉगिन स्क्रीन। ठीक है, तो आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस को चेक नहीं किया तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक फाइल ले लेते हैं इस फोल्डर के अंदर, लॉगिन डॉट HTML के नाम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक फाइल ले ली है। तो यहाँ पर मैं बॉयलर प्लेट से हमारा जो डमी डाटा रहता है वो लेके आ जाता हूँ HTML का। ये बॉयलर प्लेट कोड से मैं लेकर आ चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये ऊपर भी कुछ आ रहा है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है हमें। हम हमारा काम करेंगे सीधा बॉडी के अंदर अभी। तो यहाँ पर मैंने बॉडी में हूँ, तो बॉडी के अंदर मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर डीव ले लेता हूँ, और इस डीव को मैं क्लास देने वाला हूँ। इसको क्लास दे देते हैं हम लॉगिन कंटेनर। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर क्लास दे दी है। इसके अंदर मैं एक एस्ट लूँगा, जिसके अंदर मैं दिखाने वाला हूँ लॉगिन कम मैसेज। तो यहाँ पर मैं लॉगिन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ओनली लॉगिन, जो कि हमारे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर हमें दिखने वाला है। ठीक है, तो इसका आउटपुट भी आपको मैं साथ में दिखाते चलता हूँ, जिससे कि क्या रहेगा कि आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, काम हो रहा है हमारा। तो ये हमारा फोल्डर, इसको हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं क्रोम के अंदर। इसको सिलेक्ट करता हूँ पहले, तो मैं ओपन करता हूँ, तो ओपन विथ क्रोम। ठीक है, तो ये हमारा ओपन विथ क्रोम हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी लॉगिन लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉगिन। लॉगिन के बाद में हमारा एक और फॉर्म ले लेता हूँ, मैं फॉर्म के अंदर ही काम करने वाले हैं क्योंकि हम। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्म ले लिया है, इसको भी एक हम आईडी दे देंगे। फॉर्म को हम यहाँ पर एक आईडी देते हैं, तो वो आईडी हमारी क्या रहने वाली है, तो आईडी हमारी रहने वाली है लॉगिन फॉर्म। हम इसके नाम से रिलेटेड ही सारी आइडियाज़ दे रहे हैं, क्योंकि बाद में हमें इनसे दिक्कत ना हो ढूंढने में। ठीक है, तो एक फॉर्म ले लिया है, फॉर्म के अंदर फिर अब हम क्या करते हैं, एक ड्यू लेते हैं, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे सारे जो भी इनपुट लेने के लिए हम बॉक्सेस वगैरह रखेंगे उन सबको यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इसलिए इसको भी एक क्लास दे देते हैं, क्योंकि CSS पे हम डिज़ाइनिंग जब करेंगे इनका सबका बहुत यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसकी भी एक दे देता हूँ इनपुट ग्रुप। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है। तो यूज़र नेम लेने के लिए सबसे पहले मैं एक लेबल लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ फॉर्म में यूज़र नेम ही, और यहाँ पे भी हम क्या दे देते हैं, यूज़र नेम। ठीक है, उसी के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इनसे इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इनपुट टाइप, इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पर लिखा मैंने इनपुट, टाइप में टेक्स्ट, इसकी भी आईडी देना पड़ेगी क्योंकि हमें जावास्क्रिप्ट से इसे कनेक्ट करना है। तो इसलिए इसकी आईडी हम क्या दे देते हैं, यूज़र नेम ने। ठीक है, और इसको हम क्या कर देते हैं, तो रिक्वायर्ड, जिससे कि क्या रहेगा कि यूज़र को इसे डालना ज़रूरी रहेगा। उसके बाद हम सेम क्या करेंगे, इस ड्यू को बंद कर देंगे, फिर एक वापस से ड्यू ले लेंगे सेम क्लास, इसकी भी हम क्लास सेम रख देंगे इनपुट ग्रुप। हम सेम ड्यू के अंदर भी लिख सकते थे, बाकी डिज़ाइनिंग वगैरह के हिसाब से हम इसे अलग अलग रखें, ताकि हमारा कोड भी पूरा व्यवस्थित रहे ना, इस कारण हम इसे अलग अलग रख रहे हैं। तो इनपुट ग्रुप GROUP। अब सेम लेबल ले लेते हैं वहाँ पर, हम थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कोड आपको, ताकि क्लियर दिखे। तो फॉर में लिख देता हूँ यहाँ पर पासवर्ड, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर भी पासवर्ड लिख दिया। अब सेम इनपुट बॉक्स लेना है इसके लिए भी हमें, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इनपुट,
टाइप में मैं लिख देता हूँ पासवर्ड, और इसकी आईडी भी हम दे देते हैं पासवर्ड, और इसको भी हम क्या कर देते हैं रिक्वायर्ड, जिससे कि क्या रहेगा कि हमें सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसके बिना हमारा लॉगिन फॉर्म काम नहीं करेगा। तो हम पेज को रिफ्रेश करते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, तो हाँ ठीक है आ गए, हमारा दोनों बॉक्स वगैरह भी बढ़िया काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, एक बटन की ज़रूरत है, क्योंकि बटन से ही क्लिक करेंगे और हमारा सारा काम करवाने वाले, तो एक बटन बना लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बटन ले लिया, बटन का नाम लिख देते हैं हम लॉगिन, और इसका टाइप दे देते हैं सबमिट। बटन का टाइप यहाँ पर हम दे रहे हैं सबमिट। ठीक है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो मोटा मोटा एक तरह से तैयार हो चुका है HTML के। अब इसमें एक चीज़ और बचती है कि यार भैया गलत भी तो हो सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें एक चीज़ सोचना पड़ेगी। ये सब गलत हो गया अगर तो हमें यहाँ पर एक मैसेज भी तो प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे मैसेज को यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। तो आईडी दे देता हूँ, आईडी के अंदर हम क्या दे देते हैं आईडी को एरर मैसेज, क्या आईडी दे रहे हैं एरर मैसेज। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसकी आईडी दे दी। तो ये हमारा कुछ HTML का जो स्ट्रक्चर था वो तो हमने यहाँ पर तैयार कर लिया। अब आप बोलेंगे आईडी तो दे दी हमने, अब इसका भी यूज़ क्या करेंगे, इन सब का हम यूज़ करेंगे अब CSS के थ्रू। तो CSS के थ्रू हमें यूज़ कैसे करना है इन सब चीज़ों का, अब वो करते हैं। तो हम एक काम करते हैं, अब CSS की एक नई फाइल बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो कोड हमारा सब अटरम सटरम हो जाएगा, मज़े नहीं आएंगे कोडिंग करने में। तो हम स्टाइल के नाम से ही ले लेते हैं STYLE स्टाइल डॉट CSS, ये यहाँ पर फाइल ले ली मैंने। अब सबसे पहले काम क्या बनता है हमारा कि इस फाइल को यहाँ पर हमें लिंक करना है। तो लिंक कैसे करेंगे, तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पर लिख देंगे हमारी फाइल का नाम, कुछ भी नहीं करना, href में लिखना STYLE डॉट CSS, ये सजेशन में आ गया, हमारी फाइल यहाँ पर लिंक हो चुकी है। अब हमें जो भी काम करना है CSS का हम यहीं से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, बॉडी को यहाँ पर ले लेता हूँ, सबसे पहले बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में दे देता हूँ कुछ ही अज्योर। ठीक है, ये यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे दिया, चेक करते हैं बैकग्राउंड कलर आया क्या कुछ, तो हाँ ठीक है हमारा बॉडी का बैकग्राउंड कलर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और करते हैं, हम इसकी हाइट सेट करते हैं। तो मैं इसकी हाइट यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, बॉडी के हाइट, तो हाइट में दे देता हूँ 100 VH में इसकी हाइट मैंने यहाँ पर दे दी। ठीक है, हम हाइट को VH में भी दे सकते हैं। तो अब देखते हैं वापस का आउटपुट, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि अभी भी कोई अल्टर नहीं आया हमारा। उसके बाद क्या है कि हम एक काम करते हैं, इसके अंदर इसका जो कंटेंट है इसको हम क्या कर देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, उसके बाद जो आइटम्स है उनका भी क्या कर देते हैं, अलाइन आइटम, इनको भी क्या कर देते हैं हम सेंटर। ठीक है, तो दोनों हमारा क्या हो जाएंगे, सेंटर की ओर। तो आप फिर इसको हम वापस से रिफ्रेश करते हैं, काम नहीं हो रहा हमारा, क्या बात है, कंट्रोल एस किया है मैंने, कोई दिक्कत हो रही है क्या, चेक कर लेते हैं। तो भाई टू सेव का पेज बंद हो जा, ये भी नहीं हट रहा है, हाँ ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा हमारा, भाई क्या दिक्कत आ रही है, काम हमारा सही चल रहा है बिल्कुल सारा, बट दिक्कत क्या आ रही है, तो शायद डिस्प्ले को हम इसकी फ्लैग से करवा के देखते हैं, ताकि ये हमारा
सेंटर में काम काम चल जाए तो डिस्प्ले फ्लेक्स क्या कर देते हैं, डिस्प्ले को फ्लेक्स। उसके बाद क्या होगा, ये अब हमारा सेंटर की ओर जाना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, डिस्प्ले मैंने जैसे ही फ्लेक्स करवाई, ये हमारा क्या हो गया, सेंटर के अंदर पूरा कंटेंट जो था वो चले गया। अब इसको एक काम करते हैं, इसमें एक मार्जिन भी देते हैं अपन 0, ताकि क्या है कि ये किसी भी साइड ये जाए नहीं, तो ये यहीं पर हमारा ठीक से रहे। तो इसकी मार्जिन भी मैंने क्या दे दी है यहाँ पर 0, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा ये बढ़िया दिख रहा है हमको। अब हम काम करेंगे किस पे, जो हमारा कंटेनर था ये लॉगिन कंटेनर, इसके ऊपर अब हम काम करेंगे। तो इस क्लास को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, तो डॉट लॉग इन कंटेनर, CONTENIR कंटेनर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, लॉगिन कंटेनर, स्पेलिंग वगैरह तो मिस्टेक नहीं है, लॉगिन CONTAINER। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह सब ठीक है हमारे। तो इसका भी हम क्या करते हैं, पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, लॉगिन कंटेनर जो है इसका बैकग्राउंड कलर हम अलग से देने वाले हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे, मान लीजिए हाँ ठीक है, ये इसका कुछ बैकग्राउंड कलर दे दिया है मैंने। उसके बाद इसकी पैडिंग दे लेते हैं, तो पैडिंग हम दे रहे हैं चारों तरफ साइड से, तो यहाँ पर 20 पिक्सल हम सब दूर से इसकी पैडिंग कर देते हैं। अब चेक करते हैं इसका आउटपुट पहले क्या आ रहा है, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है अभी हमारा। तो ये कुछ अच्छा लग रहा है अभी, मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा पर ठीक है, हाँ लग रहा है। तो जो हमने पहले बैकग्राउंड में ऊपर कलर दे रखा है, इसको हम ब्लैक कर देंगे तो थोड़ा और उठाव आ सकता है हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं, तो थोड़ा और सारे हमें अच्छा लग सकता है। तो इसको चेक करते हैं बैकग्राउंड को ब्लैक करके, हाँ ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है और हमें। तो यहाँ पर हमने इसको भी बैकग्राउंड को भी ब्लैक कर लिया है। अब क्या करना है हमें, बॉर्डर की रेडियस दे देते हैं। तो इसके बॉर्डर की रेडियस मैं दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस कितने पिक्सल दे देते हैं, 8 पिक्सल। फिर चेक करते हैं इसका आउटपुट, तो ये देख सकते हैं कि हल्की सी हमारी रेडियस आ चुकी है 8 पिक्सल के नाम। अब हमें देना है बॉक्स की शैडो, ताकि थोड़ा क्या है, थोड़ा और अच्छा उठा हुआ है। तो बॉक्स की शैडो दे देता हूँ मैं 0, 0 और 10 पिक्सल। ठीक है, और कलर हम दे देंगे RGB में, RGB। ठीक है, तो रेट को 0 रखते हैं, इसे भी हम यहाँ पर रखते हैं 0, और इसे रखते हैं 0.2 के आसपास। तो देखते हैं कि कलर हमारा क्या रहता है शेडो का। तो आउटपुट चेक करने चलते हैं अपन, तो इसकी हमें अभी कुछ भी नहीं दिख रही है शेडो। कलर थोड़ा और हमें कुछ करना पड़ेगा चेंजेस, हल्के पुल के चेंजेस करते हैं हम, ज़्यादा नहीं। तो अभी भी ब्लैक ही बन रहा है वो, इसलिए हमें दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसमें 5 PM लगते हैं। अब चेक करते हैं हमारा कलर क्या हो रहा है, ये या तो एक काम करता हूँ मैं, वाइट कलर सीधे ही दे देता हूँ RGB हटा के, तो उससे क्या शेडो ब्लैक के ऊपर ठीक दिखेगी ग्रे कलर में। तो गेन बोरो देते हैं, ये भी ठीक दिखेगा। ठीक है, ग्रे और गेन बोरो दोनों मतलब कलर हमें बढ़िया दिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिफ्रेश मारते हैं, तो देख सकते हैं कि हल्की हल्की शेडो हमारी आ चुकी है बॉक्स के ऊपर। आप देख सकते हैं बहुत ही माइनर सी शेडो आई है, क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगी ना तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा मारने वाली है, तो इसलिए मज़ा नहीं आएगा हमें। तो हमने क्या करा है, हल्की सी शेडो यहाँ पर दी है इसकी, और इसकी विथ भी फिक्स कर देते हैं हम, तो विथ कर देते हैं हम 300 पिक्सल। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि यार जो हमारा ये लॉगिन है ये यहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या करना है, हमें सेंटर लाना है। ठीक है, ये विथ भी बढ़ गई है, अब इस लॉगिन को हमें क्या करना है, सेंटर में लाना है। तो इसको हम क्या करते हैं, सेंटर में लेके चलते हैं। तो ये तो हमारा सीधा H2 है, ऐसे हमें कोई क्लास भी दी नहीं है, हमने H2 को सिलेक्ट किया टेक्स्ट सिलेक्टर के थ्रू, और टेक्स्ट अलाइन क्या कर देंगे हम इसका सेंटर। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, सेंटर, तो ये सेंटर में पहुँच गया। अब इन सब के बीच में भी हमें गैप चाहिए, तो एक काम यहाँ से भी कर सकते हैं
कि मार्जिन जो है बॉटम से दे देते हैं, एस टू कोई मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल। तो देखेंगे हम कि यहाँ पर कुछ हमारी स्पेसिंग आ जाएगी मार्जिन यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं से रिफ्रेश करता हूँ, अभी मैंने यहाँ पर कंट्रोल एस नहीं किया है, कंट्रोल एस किया, अब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तो जो हमारी मार्जिन है वो आ जाएगी इसी के अंदर बॉटम से, जिससे कि क्या होगा कि जो लॉगिन है वो थोड़ा ऊपर हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनपुट ग्रुप के ऊपर करेंगे, जो हमने ये इनपुट ग्रुप बनाया है, ये जो दिख रहे हैं हमारे इनपुट ग्रुप, अब इनके ऊपर भी थोड़ा सा हम यहाँ पर कर लेते हैं, इनकी थोड़ी सी स्पेसिंग बीच में ज़रूरी है, ये ऐसे अच्छा नहीं लग रहे चिपके हुए, तो हम क्या करते हैं इनपुट ग्रुप को ले लेते हैं यहाँ पर, इनपुट ग्रुप GROUP, ठीक है GROUP इनपुट ग्रुप। तो अब इनकी भी क्या करते हैं मार्जिन दे देते हैं हम, तो मार्जिन इनको भी बॉटम से दे देते हैं, इनको भी दे देते हैं 15 पिक्सल, ताकि क्या हो कि इन दोनों के बीच में गैप हमारी यहाँ पर बन जाए। तो मैं यहाँ पर इन दोनों को थोड़ी सी स्पेसिंग यहाँ पर दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं, तो ये हमारी थोड़ी स्पेसिंग यहाँ पर आ गई है, जो कि बहुत ही हमारी बढ़िया लग रही है। अब इनपुट ग्रुप हो गया, इनपुट ग्रुप के बाद हमें क्या करना है कि यार जो लेवल है उनके बीच में भी थोड़ी सी स्पेसिंग होनी चाहिए, जिससे कि हमारा और अच्छा यहाँ पर दिखने लग जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेवल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि लेवल को हमने यहाँ पर कोई क्लास नहीं दी है, और तो इसकी दे देते हैं मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम इसका भी आउटपुट, नहीं हुई है, हल्की सी नहीं हुई है। तो हमें क्या करते हैं इसके लिए डिस्प्ले इसकी जो है इसको भी ब्लॉक कर देते हैं, तो डिस्प्ले ब्लॉक, अब थोड़ा ये हमें ठीक दिखेगा, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा हो गया है, डिस्प्ले भी ब्लॉक हो गई है, एक के नीचे एक आ गए, तो ये हमारा जो लॉगिन पेज है थोड़ा अब और अच्छा हमें अट्रैक्टिव दिख रहा है। ठीक है, अब बात आती है हमारी इनपुट की, जब हम इनपुट लेंगे तो क्या रहेगा, तो उसकी भी थोड़ी सी हम यहाँ पर कर लेते हैं, तो जो इनपुट टाइप है हमारा उसकी भी हम थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। तो इसके विड्थ दे देते हैं पहले तो 100%, क्योंकि हर स्क्रीन के हिसाब से तो अलग अलग रहेगा, तो ये हमारा क्या रहना चाहिए यहाँ पर 100%। उसके बाद इसको हल्की सी पैडिंग दे देते हैं, जिससे कि क्या होगा कि थोड़ा ये ठीक दिखेगा हमें, तो 8 पिक्सल के आसपास हम इसकी पैडिंग दे रहे हैं। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप खुद बोलेंगे कि यार पहले के मुकाबले बहुत अच्छा दिख रहा है, ये देखिए, ठीक है, आगे से कितनी हो गई हमारी पैडिंग, ये देखिए 8 पिक्सल के हिसाब से, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम इसकी बॉर्डर भी दे सकते हैं, तो 1 PX की बॉर्डर दे देते हैं इसको, या 2 PX की दे देते हैं, तो बॉर्डर 2 PX सॉलिड कलर दे देते हैं हम ग्रे, ठीक है, या हाँ ठीक है ग्रे ही दे देते हैं, हल्की हल्की बॉर्डर दिखानी है हमें, ज़्यादा भी नहीं दिखानी है बॉर्डर। तो रिफ्रेश, ये देख सकते हैं कि हमारी बॉर्डर भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसके बाद हम इसकी बॉर्डर को रेडियस भी दे सकते हैं, तो बॉर्डर हल्की सी और घूम जाएगी तो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगने वाली है, तो बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल, फिर कंट्रोल सी, और ये देख सकते हैं कि हल्की सी हमारी बॉर्डर घूमी है, ज़्यादा नहीं, जो कि अच्छी लग रही है हमारी। और आपको ज़्यादा कर्व देना तो आप आपके हिसाब से बना भी सकते हैं, और कर्व दे के, ज़्यादा कर्व दे के, ठीक है। अब बचा हमारा बटन, लास्ट काम बचा है हमारा बटन के ऊपर, तो बटन की भी स्टाइलिंग कर लेते हैं, जिससे कि वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए, क्योंकि अभी वो क्या थोड़ा फीका फीका दिख रहा है, तो मज़े नहीं आ रहे। तो बटन की स्टाइलिंग करने के लिए मैं इसकी विथ जो है उसे 100% कर देता हूँ, ताकि ये हर डिवाइस के हिसाब से अपना साइज ले सके। पिक्सल में डालूंगा तो ये छोटा लगेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ परसेंटेज में डाल रहा हूँ, ताकि क्या रहे कि हमारे स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से ये एडजस्ट हो जाए। तो ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो गया, अब ये दिख भी नहीं रहा है, और हमने जो रिक्वायर करा था
तो उसके कारण क्या हो रहा है कि ये हमें बोल रहा है कि डालो वरना कुछ होगा नहीं, ये मैसेज भी हमें यहाँ पर एक प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, तो बटन की हम क्या करते हैं, पैडिंग दे देते हैं, और विथ तो दे ही दी हमने, तो पैडिंग भी दे लेते हैं। तो पैडिंग से थोड़ा और ठीक हो जाएगा ये, तो यहाँ पर मैं देता हूँ पैडिंग। सब दूर से भैया इसकी पैडिंग कर दो कितनी, 10 px। उसके बाद इसकी भी बॉर्डर कर देते हैं हम नन, बॉर्डर हमें नहीं चाहिए इसकी, तो इसलिए हम कर देंगे नन। जो बटन है वही हमें चाहिए क्योंकि, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं हम, तो बैकग्राउंड कलर इसके ऊपर हमारा अच्छा लगेगा एक्वा। ठीक है, एक्वा दे रहे हैं, थोड़ा कलर वलर डिसाइडिंग हमारा ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आप थोड़ा इसे इग्नोर कीजिएगा। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, डिज़ाइनिंग हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, जो कि आप भी करेंगे। कलर वगैरह आप आपके हिसाब से चेंजेस कर लीजिएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट को हम किस तरह से काम करते हैं, बस इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसका हल्का सा फॉन्ट साइज जो है हम बढ़ा लेते हैं, तो फॉन्ट साइज इसका हम कर देते हैं 16 px। तो ये 16 px जैसे ही होगा तो ये देख सकते हैं हल्का सा लार्ज हो गया, जिससे कि ये थोड़ा अट्रैक्टिव अब हमें लग रहा है। ठीक है, अब जो हमारा एक चीज और बचती है, इरर मैसेज, उस पर भी तो कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या दिखाते हैं, इरर मैसेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। आईडी दी थी हमने उसे, तो आईडी हमने दी थी एरर मैसेज को MESSAGE। ठीक है, तो जब भी एरर मैसेज आएगा तो हमारा कौन से कलर में आएगा, तो कलर कर देते हैं हम रेड। ठीक है, और इसका टेक्स्ट अलाइन क्या आना चाहिए हमारा, जब भी आए, अभी तो हमने कोई डाटा नहीं दिया है, बट टेक्स्ट अलाइन जब भी आए, जब भी कोई एरर आए वो सेंटर के अंदर आए, ताकि वो क्या रहे अच्छा लगे। और टॉप से जो मार्जिन रहे उसकी 10 px कर रखते हैं हम, क्योंकि वो एकदम चिपक के नहीं आए। सारी चीज़ें हमें सोच के चलना पड़ती है जब भी हम कोई प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमने हमारा स्ट्रक्चर तो यहाँ तैयार कर लिया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये बटन पे कुछ होवर हो तो आना तो चाहिए कुछ, थोड़ा और अट्रैक्टिव लग सकता है ये। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, बटन होवर, ठीक है, बटन होवर। जैसे ही बटन होवर हो तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो हो जाए हमारा, मान लीजिए रेड या ग्रीन कर लेते हैं, ग्रीन। ठीक है, चेक करते हैं चल भी रहा है कि नहीं हमारा होवर। तो मैं जैसे ही, अभी नहीं चल रहा है हमारा ओवर, कुछ गड़बड़ी हो रही है। ये पासवर्ड और ये दोनों फिल नहीं होंगे जब तक ये दोनों काम नहीं करने वाले हमारे में, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, पहले जे इसका काम कर लेते हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स को भी हम देखेंगे कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो जावा स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम, या तो हमारी जो जावा स्क्रिप्ट वो है हम यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो न्यू फाइल बना लें, जो कि हमें बताए कि यार अलग से ही, जैसे हमने CSS की अलग से फाइल बनाई थी उसको लिंक करा था, उसी तरह हम क्या करें जावा स्क्रिप्ट की भी फाइल बना लें और उसको भी कर लें। तो हम एक काम करते हैं, अलग से फाइल ही बनाते हैं, जिससे क्या लगेगा कि प्रॉपर प्रोजेक्ट दिखेगा हमारा, क्या ये प्रोजेक्ट का काम चल रहा है इनके। script.js, आप किसी भी नाम से जावा स्क्रिप्ट की फाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा मेरा, कि इसे मैं यहाँ पर लिंक करूँ, तो ये मैं यहाँ पर लिंक कर देता हूँ स्क्रिप्ट .js। ठीक है, ये हमारी फाइल यहाँ पर हमने लिंक कर दी। अब जो भी जावा स्क्रिप्ट का काम रहेगा हम यहाँ पर करने वाले, तो जावा स्क्रिप्ट का हमारा काम क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आईडी और पासवर्ड को उठा कर लाना पड़ेंगे। तो आईडी के थ्रू ही उठा के लाते हैं उनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट यूजर नेम के अंदर, कॉन्स्ट टाइप का मैंने वेरिएबल लिया है, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसको उठा के किसको लाना है हमें, यूजर नेम को, क्योंकि हमने वहाँ पर फर्स्ट जहाँ पर हम यूज़र नेम ले रहे हैं उसको वहाँ पर आईडी क्या दी थी, यूज़र नेम ही दी थी।
तो हम यहाँ पर किसको उठा के ला रहे हैं, यूज़र नेम को, और डॉट क्या करना है यहाँ पर उसकी वैल्यू, ठीक है भाई तू कहाँ हो गया, वैल्यू चाहिए मुझे तो यहाँ पर मैं क्या कर लाया, वैल्यू लेके आ गया। सेम इसी तरह हमें क्या करना है, पासवर्ड को उठा के लाना है, कॉन्स्ट पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर भी हम क्या लाएंगे, पासवर्ड डॉट वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों को तो मैं उठा के लिया है यहाँ पे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करवानी पड़ेगी कि हमारे आईडी और पासवर्ड ये है तो ये हो जाए, वरना और कुछ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ, ठीक है। इफ के अंदर हम क्या करेंगे, कंडीशन डालेंगे हमारी, तो यूजर नेम इक्वल टू इक्वल टू। अब अभी हमारे पास डाटाबेस तो नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहीं पर फिक्स कर देंगे हमारा यूजर नेम क्या रहना चाहिए। तो मान लीजिए मैं यूजर नेम डाल देता हूँ, मेरा नाम ही सार्थ, एंड और मतलब, एंड मतलब क्या, और पासवर्ड भी चेक करना है। तो पासवर्ड क्या हो भैया आपके, तो पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड डबल इक्वल के, मतलब इसके बराबर हो। मैं यहाँ पर एक इक्वल लगाना भूल गया, बाद में ये एरर आ सकती थी जो कि मुझे अभी ध्यान में आ गई, डॉट। तो पासवर्ड हो मेरा, मान लीजिए आप कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं लिख देता हूँ पास, ये मेरा पासवर्ड रहे, ठीक है। अगर ये दोनों सही सलामत रहे हमारे, तो अलर्ट का एक मैसेज आ जाए हमें कि लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है, वरना क्या हो जाए हमारा एल्स। तो एल्स के अंदर, एल्स की बॉडी स्टार्ट की मैंने, और एल्स के अंदर क्या लिख देंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी एरर मैसेज, एरर मैसेज जो हमारी आईडी थी उसे लाना है हमें उठा के, है ना। तो हमने यहाँ पर आईडी क्या दी थी, मैं भूल चुका हूँ, एरर मैसेज ही दी थी जहाँ तक मुझे याद है, हाँ ये एरर मैसेज ही दी थी जो हमने यहाँ पर शो करवाने वाले। तो कंट्रोल सी करके मैं अब यहाँ पर आ ही गया हूँ, तो इसे मैं कंट्रोल सी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आईडी है इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैसेज को यहाँ पर भेजेंगे, टेक्स्ट कंटेंट टीएक्स, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू इनवैलिड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। तो ये मैसेज हमारा वहाँ जाकर प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई हमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये कुछ इस तरह से हमने हमारी कंडीशन को यूज़ कर लिया है, वो भी बहुत आसानी से। भाई उधर चल चल, हाँ ठीक है, मुझे क्या करना है, यहाँ टर्मिनेटर लगाना और कुछ भी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा काम हो चुका है। अब आप बोलेंगे कि यार ये चल तो जाएगा, हो गया हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। तो भाई साहब अब इस बटन जो है हमारा, इसके ऊपर भी तो हमें एक लिसनर को लगाना पड़ेगा, तो इवेंट को लगाना पड़ेगा किसी, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम इवेंट लिसनर का यूज़ करेंगे। तो हम कर लेते हैं, सबसे ऊपर ही, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और किसके ऊपर इवेंट लगा रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं लॉगिन फॉर्म के ऊपर, लॉगिन फॉर्म, डॉट क्या लगाएंगे हम, डॉट एड इवेंट लिसनर।
अगर आपको इवेंट लिस्टनर वगैरह नहीं पता है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर आपको यहाँ पर सबमिट जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक सबमिट नाम का जो बटन है उसके ऊपर हमारा लगा रहा हूँ, लॉगिन फॉर्म के अंदर एक इवेंट क्या लगा रहा हूँ, EVENT इवेंट, ठीक है। तो ये मैंने क्या लगा दिया, इवेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी यहाँ पर बॉडी स्टार्ट करूँगा, बॉडी बंद करूँगा। ये काम हमें पहले करना था, हम बाद में कर रहे हैं, ठीक है। अब बाद में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चीज़ों को हम समझ रहे हैं इजीली। मैं डायरेक्ट इवेंट लगा देता तो बहुत से लोगों को इवेंट नहीं पता होता तो उसमें भी दिक्कत हो जाती। तो इवेंट डॉट हमें क्या करना चाहिए, इस इवेंट को भी स्मॉल कर लेते हैं पहले तो हम इवेंट, और यहाँ पर हम कॉल करते हैं इसे इवेंट डॉट प्रिवेंट, नहीं ले रहा ये, हम करते हैं यहाँ पर भी इवेंट का यूज, इवेंट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इवेंट डॉट, मैं एक सबमिट बटन पे एक इवेंट लगाना चाह रहा हूँ जिसको हम कुछ डिफॉल्ट ऐसा कुछ नाम से आता है एक इवेंट हमारा, प्रिवेंट डिफॉल्ट DEFAULT डिफॉल्ट कुछ इस तरह से हमारा एक इवेंट रहता है। बट ये काम नहीं कर रहा है हमारा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी बता रहा है, तो इसको हम चेक करते हैं क्या गड़बड़ी हो रही है हमारी, कुछ तो गड़बड़ी हो रही है हमारी। हाँ तो गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है हमारी, यहाँ पर मैं फंक्शन लगाना भूल चुका हूँ, ऐसा लगाई था मुझे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी मैंने करी है, तो यहाँ पर मैं फंक्शन का यूज़ करना भूल गया हूँ, उसके कारण ही हमारी पूरी फसाद हो रही थी इवेंट। और मैं इसे यहाँ पर स्मॉल में लेना चाह रहा था तो ये ले नहीं रहा था इवेंट, और अब मैं इसको लगाता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा डॉट करके इवेंट भी, डॉट ये इवेंट डिफॉल्ट इवेंट, ठीक है। अब ये इवेंट कब चले हमारा, तो ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट है उसके बाद। तो ये जो हमारे जो दो ब्रैकेट लगाए थे ना हमने, जो बॉडी स्टार्ट की इसकी, ये हमारी कहाँ ख़त्म होगी, हमारी लास्ट में। तो मैं इसको सबसे लास्ट में यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा, तो सबसे पहले मैं बॉडी बंद करूँगा, उसके बाद ही हमारा ब्रैकेट भी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ जो काम था वो पूरा सक्सेसफुली हुआ है। तो अब इसका आउटपुट सबसे पहले चेक करेंगे हम, तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो हमने पहले इसकी आईडी क्या दी है, सार्थ, यूज़र नेम क्या दिया है मैंने, सार्थ, और पासवर्ड दिया है पास। पहले चेक करते हैं हमारा ये चलता भी है या नहीं, तो ये जो हमारा इनपुट बॉक्स है ये काम नहीं कर रहा है सेकंड वाला, ठीक है। तो इस इनपुट बॉक्स को हम पहले चेक करते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। लॉगिन में गया, सबमिट में गया, पासवर्ड क्यों नहीं ले रहा है भाई, ये रीड ओनली पे कर दिया था मैंने रिक्वायर की जगह, ये इसलिए क्या कर रहा था, ये ओनली रीड ओनली पे हो गया था, तो मैं इसको रिक्वायर करना चाह रहा हूँ, रीड ओनली नहीं, तो ये रिक्वायर। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ आपसे भी हो सकती है, तो आप जाकर चेक कीजिएगा, ना कि घबराइएगा। तो उससे क्या होता है, घबराने से कि इधर आपको सॉल्यूशन ही नहीं मिलना इधर का। मैंने लिखा सार्थ, और यहाँ पर पासवर्ड में डालता हूँ पास, तो हमारा अलर्ट अभी आया नहीं है। बाकी जो हमारा आईडी थी और पासवर्ड थे वो सही थे, ठीक है, तो अलर्ट नहीं आ रहा है। अब मैं एक बार एक काम करता हूँ, पहले गलत मैसेज डाल के देखता हूँ, कुछ गलत पासवर्ड वगैरह डाल के देखता हूँ, तो एरर मैसेज भी नहीं आ रहा है, हमारा दोनों काम नहीं हो रहे अभी, तो इन दोनों को हम पहले चेक करते हैं कि भाई साहब हमारा ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हमारा इवेंट तो चल रहा है, बटन भी हमारा काम कर रहा है, बट गड़बड़ी हमारी कहाँ हो रही है, यहाँ पर। तो गड़बड़ी हमारी यहाँ पर है, हम कोड को देखते हैं, इफ
अगर यूजर नेम सार्थ हो, यूजर नेम ठीक है, यूजर नेम ठीक है, अगर इक्वल टू क्या हो सार्थ। हमारी गड़बड़ी जो ये हो रही थी ये हमारी यहाँ पर इस टर्मिनेटर की वजह से ही हो रही थी, तो अब हम काम करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, हमारे प्रोग्राम को वापस से चेक करते हैं, रिफ्रेश मारते हैं, सार्थ और पासवर्ड था हमारा पास, ठीक है। तो ये बता रहा है अभी इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि सार्थ पूरा हमारा आया नहीं था और ये सार्थ अब आया है, ठीक है। अब चेक करते हैं हम, मैंने कंट्रोल एस कर दिया, सॉरी माफ़ कीजिएगा। अब चेक करते ऊपर हमारा लॉगिन सक्सेसफुली भी आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप HTML, CSS और JavaScript का यूज़ करके कोई भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा।